Hey guys, this is Sania Sheikh and welcome back to my channel for Today's Cooking Show. So, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट. सबसे आसान रेसिपी सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट से बनने वाली. तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल, उसमें हम डालेंगे एक अंडा, चुटकी भर इलायची पाउडर, हाफ कप शुगर और फिर उसे अच्छे तरह से मिला लेंगे. अब हम मिलाएंगे इसमें हाफ कप दूध और फिर बिल्कुल अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे. ये बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए. और अब लेंगे हम ब्रेड. ब्रेड को हम 4 स्लाइस में काट लेंगे. हमने सारे ब्रेड्स काट लिए हैं. अब हम डालेंगे इन्हें अंडे में. अंडे में डालकर हम थोड़ा सा मिलाएंगे, हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है वरना हमारा ब्रेड ज़्यादा गीला होकर टूटने लगेगा. और अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे घी या बटर. फिर अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें हम अपने फ्रेंच टोस्ट डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर. सो हमारा डिलीशियस फ्रेंच टोस्ट रेडी है, बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है. एंड ये ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रहता है. आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिकॉज ये बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक्स है. So hey guys, if you like this video, so give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Follow me on Instagram. Take care, bye bye. Thanks for watching.